आपके पास वीवो X100 प्रो है, तो उसके अंदर कैमरा के फ्रेम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि कैमरा के एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसको करने के लिए आपको जाना होता है सेटिंग में। यहाँ पे सेटिंग आइकन दिखेगा, इस पर आपको टैप कर लेना है। अब यहाँ पे अलग अलग इनका वर्क होता है। ये प्रोफाइल के लिए काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि किसी चीज़ के लिए आप प्रोफाइल फ़ोटो देना चाहते हैं, पासपोर्ट टाइप की फ़ोटो देना चाहते हैं, तो इस एंगल में आप फोटो क्लिक करिएगा तो काफ़ी अच्छी आती है। बाकी ये आपका दिया जाता है सोशल फीड के लिए होता है। बाकी ये जो एंगल होता है आपका, जैसे कि आप किसी सोशल फीड पे काम कर रहे हो, जिसको स्टोरी स्टोरी लगानी होती है, इस एंगल पे जाके वो वीडियो शूट करता है, तो काफ़ी अच्छी उसकी क्लैरिटी आती है। बाकी जब इस पे आप टैप करते हैं तो ये आपका नॉर्मली तरीके से आपका फुल स्क्रीन पे हो जाता है, चाहे बैक से करें या फ्रंट से करें। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आप कभी भी सिनेमैटिक टाइप का वीडियो बनाना चाहते हैं, यानी कि मूवी वूवी टाइप का, तो ऐसे जाके आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका फुल स्क्रीन पे शो करेगा। बाकी रही बात, अगर आप फोटो वोटो क्लिक करते हैं तब भी आपका फुल स्क्रीन पे शो करेगा। जैसे कि मैंने ये फोटो क्लिक किया तो ये पूरे फ्रेम में शो करा, बट ये वाला आप देखेंगे कि आपका पूरा फ्रेम में शो नहीं करता। तो कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे एक और सेटिंग होती है जो कि आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी आप फोटो क्लिक करते हैं, जब भी करते हैं तब भी आपका टाइमर चलने लगता है, तो इसको करना क्या है, यहाँ पे आप जाके इसको बंद कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपका बंद हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।